तो इस सभागार में मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी आ चुके हैं और साथ ही विशिष्ट अतिथि श्री संजीव जाधी प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विशिष्ट अतिथि दिवाकर मुक्तिबोध जी, आप भी मंच पर आएंगे और विशिष्ट अतिथि गिरिजा शंकर जी, आप सभी मंचासीन का बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे साथ इस सभागार में मौजूद है इन सभी, क्योंकि हम आज यहाँ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वर्ष 2023 का जो वर्ष है, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसमें से और सहयोगी वरिष्ठ वरुण सका जी ने पुस्तक की थी पॉलिटिकल। विशिष्ट अतिथि जी भी आ गए हैं और मुख्य अतिथि जी भी रमन सिंह जी, आपका जी का भी बहुत स्वागत और विद्या शंकर जी का भी बहुत स्वागत है। प्रकाश बजाज जी, दिवाकर मुक्तिबोध जी का स्वागत करें। नरेंद्र जी, सरकार की यात्रा है कि सरस्वती पूजन की प्रक्रिया को दीप प्रज्वलित करके इसका क्षेत्रों में दो अलग अलग पार्टियों के आज बड़े नेता इस मंच पे मौजूद हैं, यह इस बात को इंगित करता है कि वरुण जी ने जो प्रयास किया है वह प्रयास फलीभूत होगा। पत्रकार लेखक समाज का आईना होते हैं और उस परिपाटी को निभाते हुए वरुण जी ने इस किताब को लिखा है। आज आप सभी आगंतुकों का, आप सभी अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वरुण जी की इस किताब को आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा एवं मैं अपने लेखनी को इसी प्रकार से आगे और निखारते रहेंगे। इसी बात के साथ में मैं अपने स्वागत उद्बोधन को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री संजीव झा जी भी आ गए हैं, प्रदेश प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और जो वक्ता अतिथि है हमारे बीच अमित डोई जी, हमारे वक्ता अतिथि शिरीष मिश्रा जी का स्वागत करें। और ओम प्रकाश त्रिखारी, आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी और आप ये जानना चाहते होंगे कि पॉलिटिकल आंकड़े से 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को एक किताब से वरुण सका जी ने इस किताब को लिखा है। और बहुत मैंने पहले भी बताया, ऐसी आपने देखी होगी इस कालखंड में, जैसे कि राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से हार गए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उसी दौरान आपने देखा होगा कि आधे वोट से जीते भी हैं गुजरात में इलेक्शन अहमद पटेल। तो ऐसी कई घटना का जिक्र यहाँ पर हुआ। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी तो आई, लेकिन यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री गिरिजा शंकर जी, श्री दिवाकर मुक्तिबोध जी, श्री संजीव झा जी, आप सभी को मेरा नमन। मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर किताब वरुण श्रीवास्तव सर की लिखी हुई, इसकी एक समीक्षा करने आया हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि पहले जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे पढ़ाया है वही लोग आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर अवसर है।
और सबसे अच्छी बात है कि वरुण श्रीवास्तव सर की ये तीसरी किताब है और मैंने तीनों किताबें पढ़ ली हैं। ये किताब मैंने हाल में पढ़ी है और क्योंकि मैं मीडिया का एक शिक्षक हूँ, इससे पहले विद्यार्थी था, तो जो सबसे गहन रुचि वाली जो बात है वो ये रहेगी कि जब भी आप किसी के साथ संवाद करें या संप्रेषण करें तो उसको प्रभावित बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है आपके संवाद में या फिर स्पीच में या भाषण में। मुझे इस किताब में वो एक एलिमेंट दिखाई दिया, एक तत्व दिखाई दिया संचार का, वो ये है कि इसमें 96 विषयों पर वरुण सर ने अपना व्यू दिया है या अपना जो उन्होंने देखा है उस हाल को प्रस्तुत किया है। 96 विषयों का एक समाधान प्रस्तुत होता है चंद शब्दों में। चंद शब्दों में मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जब हम बात करते हैं सबसे प्रभावी संचारक की तो हम संत कबीर को याद करते हैं। संत कबीर की जो दोहे थी वो भी दो पंक्तियों की हुआ करते थे और सिर्फ दो पंक्तियों में वो एक प्रॉब्लम को रेज कर यानी कि एक समस्या को उठा करके उसका समाधान अपने निचली पंक्ति में दिया करते थे। तो इस तरीके से ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी कि 96 विषय इसमें हैं और ये विषय सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसमें मीडिया के भी विषय हैं, सामाजिक सौदेश्य भी इसमें दिखाई देता है और यह किताब उन सभी समाचार पत्र के पाठकों और टेलीविजन चैनल के दर्शकों के लिए है जो हर दिन टेलीविजन पे प्राइम टाइम न्यूज देखते हैं या फिर समाचार पढ़ते हैं, क्योंकि इस किताब में हिंदी भाषी राज्यों के वो सभी समस्याओं का उल्लेख है जिसको हम सभी को जानने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई संपादक समाचार के इतर कुछ लिखता है तो ये बड़ा रोचक होता है, क्योंकि समाचार हम सभी जानते हैं कि क्रिएट की जाती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नया रूप दिया जाता है और वो समाचार होता है। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही उत्सुकता भरा पल था जब मैंने इस किताब को खरीदा कि एक संपादक समाचार के अलावा अगर कुछ लिख रहा है तो उसके अंदर कुछ सच्चाई होगी, कुछ रहस्य होगा जिसकी पृष्ठभूमि पर समाचार लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से सच्चाई का पता लगाने के लिए भी मैंने ये किताब को खरीदी है, आप ये भी कह सकते हैं। जब वरुण सर से मेरी बात हुई इस किताब को लेकर कि मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का, उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति विशेष पर केंद्रित आप बात नहीं करेंगे, कंटेंट पर बात करेंगे। कंटेंट के बारे में फिर से बात करूंगा। इसका जो लेखन है सर, ये प्रिंट मीडिया की कम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़्यादा लगती है। इसका कारण ये है कि जब आप इसको पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो लगातार आप पढ़ते हैं, आप कहीं पर रुकते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रोचक किस्से हैं, जैसे दो राजनीतिक दलों की जो प्रमुख हैं उनको एक फिल्म से तुलना करते हुए उन्होंने उपमा दी है, जॉन अब्राहम की और नाना पाटेकर की। ये इस तरह के विषय इस किताब को और रोचक बनाते हैं। इसके अलावा ये किताब अगर देखी जाए तो बहुत ही हैंडी है, हल्की है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। और अब पुस्तक का विमोचन करने के लिए हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, श्री संजीव झा जी, दिवाकर मुक्तिबोध जी, विशिष्ट अतिथि गिरिजा शंकर जी, और ये पुस्तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। आप लोग जरूर इसे पढ़िए, देखिए, इसके बारे में बड़ा अच्छा बता के गए हमारे योगेश वैष्णव जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपने शानदार उद्बोधन किया है। आप भी अमेजन फ्लिपकार्ट दूसरे माध्यम से खरीद सकते हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दो शब्द रहिए। पुस्तक का विमोचन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर लेखक वरुण शर्मा जी, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि उनका ये क्रम आगे जारी रहे और समाज को और छत्तीसगढ़ को कुछ नई चीज लगातार देते रहें। आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध जी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से पधारे हैं हमारे मित्र गिरिजा शंकर जी, प्रदेश प्रभारी आम पार्टी संजीव झा जी, रविन्द्रनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, गिरीश चंद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय भान जी, रमेश अनुपम जी,
यशवंत गोहिल जी, मीनाल जसर जी, माननीय वीरेंद्र पांडे जी, वरुण सखा जी, बजाज जी और सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पे मैं IBC 24 के सह कार्यकारी संपादक वरुण सखा जी के इस किताब के बारे में मैं चूँकि किताब पढ़ने का शौक जरूर है मगर किताब की समीक्षा करना मेरे लिए सबसे कठिन काम है। ये बहुत कठिन काम मेरे जैसे व्यक्ति को दिया है जो किताब पढ़ने में रुचि रखता है, मगर इस प्रकार की समीक्षा करना ये पत्रकारों के ही बस की बात है। मैं इस बार आपके बीच आया हूँ बधाई देने के लिए और ये एक लंबे दौर पे छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे क्या हुआ 1998 फिर 2008 फिर 2018 राज्य के घटनाक्रम में जो परिवर्तन होते गए और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का वो दौर जब 2000 में केंद्र में अटल जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आज हम 23 साल में के बाद यहाँ बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में इस 23 साल की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए और प्रदेश की स्थिति बदली, प्रदेश में राजनीतिक बदलाव आए, सभी बदलाव को महसूस किया और जाहिर है ये किताब जब लिखा गया ये पूरे 23 साल के अनुभव का निचोड़ है। जब पत्रकारिता करते हैं और कुछ लेख लिखते हैं और लेख को जब किताब के शक्ल में सूचीबद्ध करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा करना सबसे आसान हो जाता है क्योंकि समय की कसौटी पर जो बातें 1998 में 2000 में बोली गई 23 साल बाद उसकी प्रासंगिकता कितनी है। इस किताब को पढ़ने के बाद उस घटनाक्रम को याद आता जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ में घटना मेरी आँख के सामने गुजरा था और हमारे सखा जी ने उस पर उस समय जो प्रतिक्रिया दी थी वो कितना जीवंत है और आज भी समय के अनुकूल समय के बाद भी 23 साल बाद भी वो यथार्थ यदि जिंदा है उसमें सच्चाई नजर आती है तो ये सबसे बड़ी जीत है सखा जी की। इसको उन्होंने कायम रखने का प्रयास किया है, इसको पूरी किताब को पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि बहुत ही तटस्थ भाव से एक निरपेक्ष भाव से वो चाहे मेरा कार्यकाल हो चाहे उसके बाद का कार्यकाल हो उन कार्यकाल में होने वाली घटनाओं को सजीवता के साथ न केवल चित्रांकित किया है उनको बताने का प्रयास किया है बल्कि उन घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। सखा जी की पुस्तक राजनीति के प्रमुख अंगों सामाजिक सुधार विचार और भागीदारी की बात करती है। वरुण सखा के भीतर रिपोर्टर को उन्होंने जीवित रखा, संपादक को जिम्मेदार रखा, पुस्तक की निष्पक्षता और निष्पक्षता इसलिए मैं कहता हूँ कि वो घटनाक्रम जो उस दौर में हुए थे वो इस बात के गवाह हैं कि उस दौर में घटनाक्रम के बारे में जो बोले गए जो लिखे गए उसके कुछ बातें मुझे आज वापस याद कर रहा हूँ मैं उन घटनाक्रमों को और उस टिप्पणी को। इन्होंने न केवल समाचार बनाया, समाचार के साथ ही साथ उस समय के तात्कालिक टिप्पणी भी अपने जोड़ दी। ये समीक्षा पाठक के ऊपर भी रहता है और लेखक के भी सोच पर रहता है कि वो कितनी मजबूती के साथ अपनी बात को व्यक्त करता है। जैसे समाचार बना राहुल गांधी के इस्तीफे और उस पर एक आलेख है और अंत में उसमें लिखा है कि संपादक उसमें लिखता है कि पतवार संभालना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, एक टिप्पणी भी है उसी के साथ जुड़ा हुआ। आज समय के अनुसार यदि हम सोचते हैं उस समय लिखा हुआ है और आज ये कितना सामयिक है कि पतवार छोड़ दिया उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है और क्या प्रतिक्रिया होगी इस बात को देखें। कृषि बिल पर टिप्पणी आप देखेंगे, माननीय मोदी जी ने कृषि बिल लाया फिर बाद में वापस किया, किन परिस्थितियों में किस झंझावात को झेलते हुए किन किन कारणों से उस बिल को वापस लिया गया उसकी तात्कालिक समीक्षा जो लिखा है वो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा।
चिटफंड के स्थायी समाधान क्या हो सकता है, ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस चिटफंड के स्थायी समाधान की दिशा में उंगली दिखाने का प्रयास किया है और वो न केवल पत्रकार हैं, न केवल वो संपादक हैं, बल्कि उनके अंदर छत्तीसगढ़ और रायपुर की तकलीफ भी है और युवकों की पीड़ा को व्यक्त करने का काम भी करते हैं। वो ऑडिटोरियम के लिए किए गए आंदोलन में शामिल होना ये बताता है कि रायपुर की समस्याओं के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति सखा जी है। उन्होंने काम एक बहुत अच्छा चित्रण जो वक्त के साथ इतना वक्त गुजर जाने के बाद आप समीक्षा करेंगे, पढ़ने के बाद महसूस करेंगे, अजीत जोगी जी के जीवन के उतार और चढ़ाव, राजनीतिक घटनाक्रम में किस ऊंचाई पर पहुंचे और उसके बाद राजनीतिक दल का गठन किया और उस दल के गठन के बाद आगे की घटनाक्रम को जो चिन्हांकित करने का काम किया है, वो समय के इस पूरे कसौटी पे यदि खरा उतरता है और आज जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि एक जोगी जी के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनके विचारों को चिन्हांकित किया है। एक घटना राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक चौबे जी के जब नक्सलियों ने हत्या की उससे पर समाचार है और उस समाचार पर टिप्पणी भी है कि शहादत पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चौबे की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उस पर एक टिप्पणी उन्होंने की है। हिंदी पे हो रही सियासत पर उन्होंने लिखा एक बहुत ही छू लेने वाली बात और वो फोटो समाचारों में बहुत छपा। राष्ट्रपति मुर्मू जी नंदी के कान पे कुछ बोल रहे हैं, अब ये फोटो है वो बस, अब राष्ट्रपति जी नंदी के कान पे क्या कह रही हैं, उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है वो उसके लेख में आप देखेंगे। तो जैसे उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू नंदी के कान पर कह रही हैं, यह बताने और प्रमाणित करने का प्रयास है कि संदेश प्रतीकों में संदेश छुपे हैं और जनजाति समाज अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनने का प्रभाव समाज पर क्या पड़ सकता है उसको भी चिन्हांकित करने का प्रयास किया है। धर्मांतरण का इस पे क्या कोई असर हो सकता है इस विषय को उन्होंने किया है और ये संदेश देने का प्रयास किया है। बात वरुण की किताब पर हो रही है जो उसने लिखी है और वरुण से मेरा वास्ता 2008 से हुआ जब जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ चैनल शुरू हुआ तो हम असाइनमेंट में हमारे साथ काम करते थे, वहाँ से उनकी यात्रा को देख रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने उसमें लिखा भी है कि उनके अंदर एक बेचैनी शुरू से थी और उसको उन्होंने अलग अलग तरह से सामने लाने का प्रयास किया, कभी लेखन के माध्यम से पॉलिटिकल लोगों से जो जुड़ के समझना सीखना और उनके अंदर जो रिपोर्टिंग का एक बंद चल रहा था उसको भी उन्होंने पूरा किया, संपादक बनने का लेखन का। तो उनकी जो यात्रा है जैसा कि राहुल बोल रहे थे कि 1998 से लेकर 2022 तक का, तो वो उनकी यात्रा और पॉलिटिकल यात्रा दोनों का एक सम्मिश्रण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है, यदि कोई पत्रकार रिपोर्टर के तौर पर फील्ड में है तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए। तो जब जोगी जी ने अपनी पार्टी बनाई तो जब कोटमी गांव में वो सभा कर रहे थे, अजीत जोगी जी और उनके बेटे के क्या भाव थे, चेहरे के क्या मुद्राएं थी और उसके क्या अर्थ है, यदि किसी को रिपोर्टिंग के बारे में सीखना हो तो रिपोर्टिंग के साथ कैसे हो सकता है वो उसका उस तरह से बेहतर उदाहरण है। दूसरी बात आती है जब आप फील्ड में नहीं है और आप ऑफिस में हैं और आप घटना को देखना चाहते उस नजरिए से कि आप वहां पर हैं, तो वो उनके बाकी लेखों में आपको दिखाई देता है। जयशंकर जी और सामने जो विशाल समुद्र है उसके पीछे का दर्शन, पत्रकार लिखता है राज समाज या आइडियल कैसे बने, आदर्श राज समाज के विषय में लिखता है, सोचता है, उसकी कमियां और कमी पेशियां निकालता है। तो एक सेट जो है इस दुनिया पूरी दुनिया में एक सेट है पत्रकारों का जो जो अपना यूटोपियन मॉडल पेश करता है, जो अपने आदर्श पश्चिम से लेता है, और एक सेट ये हमारा है जिसमें वरुण भाई भी हैं।
हम लोग राम राज्य से अपना आदर्श लेते हैं। रामचरितमानस में राम राज्य की तुलसीदास जी ने बहुत छोटी सी व्याख्या की है, और उत्तर कांड में है पर दो चार चौपाइयां हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि दैहिक भौतिक दैहिक पापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो यूटोपियन मॉडल है, यूटोपियन मॉडल में आप ऐसे सैकड़ों मॉडल बना लेंगे तब भी उस हमारे राम राज्य की वो पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये वरुण जी का ये जो प्रयास है, ये जो किताब है, ये इस दर्शन से ओतप्रोत है, अभिप्रेरित है। हमारी एक लाइन है, ये पत्रकारों की एक नई लाइन है, जो आप इसमें संकोच नहीं करती कि हमको अपने मॉडल हमारी अपनी संस्कृति से, हमारी अपनी धरती से, हमें अपने देश से लेने हैं, क्योंकि राम राज्य में जिस व्यापकता का हमने अनुभव किया है वो कोई यूटोपियन मॉडल, कोई मार्क्सिस्ट मॉडल, कोई माओवादी मॉडल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसके लिए वरुण जी बधाई। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला सच या झूठ, ये विषय भी है और एक सवाल भी। इस सवाल से कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या वाकई लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ? ये हमले कौन कर रहा है? क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका है? सवाल ये भी कि कौन है जो हमला होने का शोर मचा रहा है? स्वीडन की एक रिसर्च संस्था है वीडेम, Varieties of Democracy Institute. इस संस्था की रिपोर्ट ये कहती है, G20 के सभी प्रमुख देश और दुनिया के सभी क्षेत्र अब निरंकुशता की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं, जिसकी चपेट में भारत, ब्राजील, अमेरिका और तुर्की जैसी अर्थव्यवस्थाएं आ चुकी हैं। इसी संस्था की जो 2023 की रिपोर्ट, हर साल ये रिपोर्ट देती है, उसका ये कहना है कि दुनिया के जो 179 देश हैं जो उनकी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें उसने भारत को 97वें नंबर दिया, 97 नंबर, और चुनावी प्रजातंत्र के इंडेक्स में 108वां स्थान दिया है। पिछले साल उनको 100वें स्थान पर भारत को मिला हुआ था, जिसमें तंजानिया, बोलाविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे जो घोषित निरंकुश राज्य सत्ता वाले देश हैं उनसे भी भारत को नीचे रखा गया था। यानी प्रजातंत्र की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई वहां पे। वीडियो का ऐसा मानना है, और पिछले 10 साल वीडियो का ये भी कहना है कि पिछले 10 साल में दुनिया के जो प्रजातंत्र में निरंकुश सत्ता में आने वाले जो देश है उसमें भारत सबसे आगे। डिफाइंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन, ये शीर्षक है जिससे वो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उन थोड़ा सा आर्काइव तो देना जरूरी, पृष्ठभूमि बने जिस पर आधार अगर दिया जाएगा तो थोड़ी आसानी। पिछले 35 वर्षों के दौरान दुनिया में जो लोकतंत्र ने प्रगति की थी उसको गंवा दिया गया है। दुनिया में प्रजातंत्र का स्तर अब 1986 के समतुल्य हो गया, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थिति 1978 के स्तर तक पहुंच गया है। पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कट्टर निरंकुश सत्ता झेलने वाली आबादी उन्मुक्त प्रजातंत्र में रहने वाली आबादी से अधिक है। लगभग ये रिपोर्ट कहती है, लगभग 1 दशक पहले 7 देशों में अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही थी, पर अब 35 देशों में ऐसा हो रहा है। ये वीडियो का कहना है, वीडियो का मानना है कि दुनिया के 47 देश समाचारों पर सरकारी सेंसरशिप झेल रहे हैं, जबकि 37 देश मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटीज की आवाज को कुचल रहे हैं। दुनिया के 30 ऐसे देश हैं रिपोर्ट के अनुसार जहां चुनाव में सत्ता का पूरा दखल रहता है, यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। भारत को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां मीडिया और अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर अंकुश के कारण वो अब एक लोकतांत्रिक देश से हटकर चुनावी तानाशाही में बदल चुका है। इसी तरह कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक संस्था फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2014 के बाद से भारत के राजनीतिक अधिकारों और आजादी के मामले में स्थिति लगातार खराब हुई है। इसी तरह एक और संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनकी एक रिपोर्ट है 2020 की, उसमें लोकतंत्र का जो सूचकांक वैश्विक स्तर पर जारी हुआ था उसमें भारत को बहुत लोअर रैंकिंग दी गई थी। उसका भी यही कहना था कि भारत में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो खतरे में।
अब ये एक रिपोर्ट है जो आमतौर पर इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, वो पश्चिम से आने वाली रिपोर्ट है। इसको लेके एक दूसरा पक्ष है जो का ये भी कहना है कि भारत को देखने का जो पश्चिमी नजरिया है वो पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भारत की विविधता, जटिलता और सांस्कृतिक परिवेश को जाने समझे बगैर उसे लेकर ये आकलन पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में थिंक टैंक है भारत का विवेकानंद फाउंडेशन को जारा माना, उसके सीनियर फेलो का एक तथ्य था कि जिसमें वो उनका कहना है कि अगर भारत के लोकतंत्र खतरे में है और उसी रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी की गई उसी रिपोर्ट में डेनमार्क को लोकतंत्र के सब में पहले नंबर पर रखा गया है। उस डेनमार्क को जिसका संविधान ये कहता है कि होली बाइबिल पर आधारित इवेंजेलिकल लुथेरियन चर्च जो है डेनमार्क का स्थापित चर्च होगा, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि हम धर्म निरपेक्षता की राह पर। तो ये एक जो है मानक जिन लोगों ने तय किया है उनके जो जो आकलन में एक दोहरा मापदंड दिखता है उसकी एक यहाँ पे हम बात भी देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर भारत में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है या असहमतियों के लिए जगह कम हो रही है तो 2014 के बाद से कुछ आंकड़े दिए हैं उन लोगों का जिन लोगों का जो मानना है कि भारत में लोकतंत्र सही स्थिति में है और ये जो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि 2014 में दैनिक अखबारों का सर्कुलेशन 14 करोड़ के आसपास था जो 2018 में बढ़कर 24 करोड़ के आसपास हो गया। देश में 800 टीवी चैनल है इस वक्त जिसमें से 200 न्यूज चैनल्स है। लोगों के घरों में टीवी देखने वाले 14 करोड़ थे पहले 2014 के आसपास जो 2018 में बढ़कर 20 करोड़ के आसपास हो गए। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन जो है 15 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हो गए। अगर आजादी पर कोई बाधा होती तो मीडिया इस तरह विस्तार कैसे करता। एक तरफ ये भी है कि हम रोज से देखते हैं ये कि सॉटिंग क्रिकेट मतलब चैनलों में जो आवाजें होती है जो रोज जो है डिबेट के दौरान जो घासें होती है वो अगर हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आजादी के लिए स्पेस है। दूसरा ये एक जैसे डिजिटल माध्यमों में जाएंगे सोशल मीडिया में जाएंगे तो अगर एक हैशटैग चल जाता है कि दुनिया का भारत का सबसे खराब प्रधानमंत्री हैशटैग आपको ट्रेंड करता है नंबर वन पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमने जगह दी है उसको ना ऐसा ट्रेंड करने की। ये तो मौजूदा व्यवस्था में भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इतनी जगह है कि वो असहमतियों को भी सुन सकता है। ये उनका कहना है जो इस लोकतंत्र पर हमले वाली लाइन के पक्षधर नहीं। एक और जो बात कही जाती है जो जिन लोगों का कहना है कि मीडिया के लिए जगह है और स्वतंत्रता आजादी की स्वतंत्रता छीन रही है उनका एक और कहना है कि डेमोक्रेटिक रिसेशन जैसा एक माहौल दुनिया में है, लोकतांत्रिक मंदी उसकी चपेट में भारत भी है। इस मंदी की परिणति यह है कि जनता जो है सर्विलांस कैपिटलिज्म एक तरह का एक जो है पूंजीवादी निगरानी में पूरी दुनिया है। बड़ी बड़ी जो कंपनी टेक कंपनी है गूगल फेसबुक अमेजन माइक्रोसॉफ्ट एप्पल इनकी जो है वो जो सूचना का तंत्र है वो हमारे जीवन तक पहुंच गया है और वो कंपनियां देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति भी किसी तरह से जवाबदेह नहीं है। तो नंबर वो अब ये है कि लोकतंत्र पर एक चौतरफा चुनौतियां दिख रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता भारत के लिए भी चुनौतियां हैं और भारत के चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा है कि आज कोस पर पानी और पानी दोनों बदल जाती है। औपनिवेशिक गुलामी से निकलकर भारत को जो लोकतंत्र मिला है तो ये मानना पड़ेगा कि यहाँ लोकतंत्र जो है सिर्फ संविधान के ढांचे में तो मिला मगर संस्कार और चरित्र में जो है सामंती अर्ध सामंती और औपनिवेशिक जो संस्कार है उसी के साथ संस्थाएं और जो है राजनीतिक तंत्र चलता रहा। इस वजह से समस्याएं हैं पर भारत लगातार चल रहा है लोकतंत्र के रूप में। इतने लंबे सफर को दुनिया लगातार सब सुबह की निजात में देखती है। उसका मानना है कि 7 दशकों की यात्रा के बाद अगर भारत यहाँ तक पहुंचा है तो इस खामियों पर ज्यादा जोर दिया जाए क्योंकि उनको भारत की जटिलताओं को समझना उनके लिए जरा कठिन हो गया है। उनके मानक धर्म की जो है उनको मौका मिलता बकायदा तो लोकतंत्र जानना चाहते होंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। आपको
हमारे साथ पद्मश्री अनुप जी भी बैठे हॉलीवुड में, अमिताभ बच्चन कहता हूँ हॉलीवुड का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग सुने जितने मेरे, थोड़ा सा हमको जब लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो ये विषय ऐसा है जिस पर कई दिनों तक बातचीत की जा सकती है, कुछ मिनटों में तो आप इसको छू भी नहीं सकते। कोशिश करेंगे 2-5 मिनट में बातें सिलसिला शुरू हो। जहां तक लोकतंत्र की चुनौतियों का सवाल है, संविधान सभा की डिबेट देखिए, जब लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया, जब उसको लेकर डिबेट हुआ, उस डिबेट में भी कोई इस तरह की सहमति बनी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं रहा। तब भी लगा कि नहीं, इसमें कुछ सुधार गुंजाइश है। संविधान में जो मुख्य बात मानी हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए, वो समानता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, और समानता के अधिकार, समानता के सिद्धांत के आधार पर ही लोकतांत्रिक प्रणाली को शासन चलाने की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान बन जाने के बाद, लोकतंत्र को स्वीकार कर लेने के बाद, गणराज्य बन जाने के बाद, इस देश में आज भी और तब भी बहुत से लोग असहमत थे। वो ये मानते थे कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सब कुछ लिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है नया। बहरहाल ये जो असहमति संविधान को लेकर, संविधान में स्वीकार की गई अवधारणा को लेकर जो तब भी बनी और आज भी बनी हुई है, मैं समझता हूं यही हमारे जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र के को लेकर जिस चुनौतियों को आज महसूस किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, ये चुनौतियां उस दिन शुरू हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है संविधान सभा के आखिरी में, वो ये भाषण पूरा आप देखें, तो उन्होंने इतनी आशंकाएं उसमें जाहिर की हैं कि इसको लेकर क्या 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 हो सकता है, और उसमें से बहुत कुछ सही भी साबित हो रही है, हम अनुभव से सीख रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय सामाजिक संरचना में लोकतंत्र विरासत में मिली है, तो उस विरासत में मिली एक व्यवस्था को हम कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं, ये चुनौती तब भी थी और आज भी है। लेकिन इस विरासत को ऐसा कोई खतरा है कि वो खत्म हो जाएगा, ये न तब था न आज है और आगे कभी रहेगा।